मधुपुर में आभूषण व्यवसायी के घर भीषण डकैती, फायरिंग व बम विस्फोट। मधुबनी जिला के मधुपुर स्थित वार्ड नंबर 4 में भगत सिंह चौक के समीप आभूषण व्यवसायी टूटू चौधरी के घर में डकैतों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए से अधिक नगद कैश सहित 5 लाख से भी अधिक मूल्य की जेवरात लूट लिया गया है। अपराधियों ने डकैती के दौरान फायरिंग और बमबारी कर दहशत का माहौल बनाए रखा। सोमवार की रात करीब 1 बजे हथियार से लैस करीब 1.5 दर्जन नकाबपोश अपराधियों ने टूटू चौधरी के घर पर धावा बोल दिया। पिछले दरवाजा से घर में प्रवेश किया। घर में सो रहे कई स्वजन के दरवाजे को पहले से बाहर से लॉक कर दिया। फिर गृहस्वामी को सबसे पहले पिस्टल और तलवार नुमा हथियार गर्दन पर रखकर गोदरेज की चाबी लेकर सारा आभूषण और नगद रुपए लूट लिया। जब टूटू चौधरी का भाई पिंटू चौधरी ने विरोध किया तो हथियार से वार कर सिर फोड़ दिया, हाथ भी तोड़ दिया गया है। उनकी पत्नी के गर्दन पर प्रहार कर जख्मी कर दिया। फिर दोनों को कब्जे में लेकर नगद व आभूषण लूट लिया। घर के कई अन्य सदस्य को भी बंधक बनाकर पिस्टल और हथियार का भय दिखाकर घर में रखा सभी आभूषण लूट लिया है। गृहस्वामी की पुत्री ने कहा कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक लूटपाट किया। सभी पेंट और गंजी पहना हुआ था और मुंह से गमछा को बांधा हुआ था। सभी कोड भाषा में जोर जोर से हल्ला भी कर रहा था। स्थानीय लोगों में भय दिखाने के लिए कई बम भी फेंका गया और फायरिंग भी किया गया। बताते चले कि नवंबर माह में टूटू चौधरी के पुत्री की शादी थी, जिसके लिए आभूषण और नगद रखा हुआ था, जो सभी नगद और आभूषण लूट लिया गया है। लोगों में दहशत फैलाने के लिए बमबारी और फायरिंग भी किया गया। डाका कांड को अंजाम देकर सभी अपराधी पीछे के रास्ते से निकलकर भाग गए। पीड़ित ने कहा कि पुलिस खुद डरी हुई थी और 1 घंटे बाद पहुंची। घटना स्थल के थाने से करीब दूरी 0.5 किलोमीटर है और एसएसजी कैंप की दूरी 200 मीटर है। इसके बावजूद अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मधुपुर पुलिस, सहरघाट पुलिस समेत बेनीपट्टी SDPO अरुण कुमार सिंह खुद पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए हैं। वही पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस, खोखा समेत कई संदिग्ध सामान बरामद किया है। घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। फोरेंसिक जांच के लिए टीम को बुलाया गया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम है। लगभग 1:30 बजे रात में मुझे कॉल हुआ, जानकारी मिली कि मेरे पंचायत में टूटू चौधरी के यहाँ डकैती हो रहा है। जब तक हम लोग आए तब तक यहाँ से चोर भाग गए थे, डाका डाल के। बहुत ज़्यादा संपत्ति की चोरी है, चूँकि टूटू जी की लड़की की शादी होना था, उस बापत ज्वेलरी, पैसे और फर्नीचर वगैरह सभी तैयारियां चल रही थी, उसमें पैसे और ज्वेलरी जो भी आइटम था लेके निकल गए यहाँ से। दूसरी बात, यहाँ जब आए तो पता चला कि माननीय मुखिया राजेश जी यहाँ पहुँच चुके थे और उनके साथ दो हवलदार भी था। उन्हीं के दरवाजे के इर्द गिर्द सोते हैं, साथ में चौकीदार था। हवलदार जब घटना हो रहा था मुखिया जी के साथ यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन सुशासन राज में ये बहुत दुखद गप है कि बंदूक होने के बाद भी डाका डाल के डकैत यहाँ से चला जाता है, बमबारी कर देता है, लेकिन हमारे पुलिस बंदूक में कंधे पर लेके घूमते हैं तो गोली नहीं चलाते। उन्हें परमिशन की दरकार होती है, तो ये जो जमीनी सवाल है ये उठा रहे हैं। बंधु, मैं ये पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो गन अपना गन लेके जब वो चलते हैं अपने कंधे पे, उनको परमिशन की जरूरी है, तो परमिशन लेके क्यों नहीं चलते हैं? अगर नहीं लेके चलते तो गन लेके क्यों आते हैं? बहुत बड़ा सवाल या निशान, उनको भी खतरा हो सकता है ना। उनका गन कोई लेके भाग जाए तो क्या होगा? इससे बड़ा अंजाम हो सकता है ना। गन लेके नहीं निकले, अगर निकलते हैं तो परमिशन लेके। तो सिस्टम की विफलता को जो है माननीय उठा रहे हैं यहाँ सरपंच साहब। जब उनको बार बार कह रहे हैं कि गोली चलाइए, गोली चलाइए, गोली चलाइए, जब बोल रहे हैं फायरिंग कीजिए, बम बरसा रहा है, लेकिन यहाँ से ये मुख्य दर्शक बनकर और ये छुप गए हैं घर में जाके बंदूक लेके। प्रशासन छुपता है घर में और निहत्थे लोग को कहते हैं कि आप लोग पत्थर क्यों नहीं चला है? ये प्रशासन के तरफ से है, ये सुशासन राज है, सुशासन बाबू है, उन्हीं का हाथ भार कुछ है, वो कुछ भी कर...